Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Computer Organization and Assembly Language for BS Computer Science 4th semester. This is chapter number 3 of the book written by Kip R. Edwin. In previous lecture, we have talked about the basic components, basic elements of assembly language program, and we have discussed a simple program in assembly language. Afterward, in this lecture, we will be talking about assembling, linking, and running an assembly language program. Then we will be discussing some basic data types of assembly language, as we have discussed data types in C++ in previous classes. Similarly, we can also use data types in assembly language as well. Okay, so the topics we will be covering here is assemble, link, execute cycle, make 32-bit, bat.bat, listing file, map file, ye cheeze hum discuss karenge. Achha, assemble, link and execute cycle kya hai? To assemble, link, execute cycle jo hai, hum kya karte hai ki ek program likhte hai. किसी भी उसमें एडिटर में, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ नोटपैड. मैं नोटपैड में क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ. लेट सपोज इधर मैं लिखता हूँ मूव, मैं फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा बढ़ाता हूँ. लेट सपोज मैं इधर कोई प्रोग्राम लिखता हूँ मूव AX5, मेरे ख्याल में मूव की स्पेल जो है असेंबली लैंग्वेज में MOV है. मूव BX6 एड AX BX. लेट सपोज मैं कोई इस तरह प्रोग्राम लिखता हूँ, तो ये मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा और इसको सेव करूंगा .asm में सेव. लेट सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और example.asm मैं इस तरह इसको सेव करता हूँ. अब ये जो मैंने प्रोग्राम, एक बात याद है कि ये एक एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है. जो मैंने अ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक कंपोनेंट. अब मैंने जो ये प्रोग्राम लिख दिया है और इधर मैंने इसको .asm में सेव कर दिया है. asm मतलब असेंबली लैंग्वेज, .asm जो है एक्सटेंशन है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का, तो इसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, फिर मैं इस प्रोग्राम को दे दूंगा किसको, असेंबलर को. असेंबलर इसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. ठीक है, और जब इस ये मैं नोट ओपन करता हूँ, ये मैं सोर्स प्रोग्राम लिखूंगा, इसको मैं दे दूंगा असेंबलर को. असेंबलर इससे ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, इसको असेंबली लैंग्वेज में, सॉरी मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा. लेकिन साथ में साथ साथ एक लिस्टिंग फाइल भी क्रिएट करेगा. ठीक है, लिस्टिंग फाइल को हम आगे डिस्कस करते हैं कि लिस्टिंग फाइल में क्या होगा. तो असेंबलिंग के बाद मेरे फोल्डर में कितने फाइल्स होंगे, 3 फाइल्स होगी, एक सोर्स प्रोग्राम, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड और एक लिस्टिंग फाइल. लिस्टिंग फाइल भी साथ में पड़ी होगी. लिस्टिंग फाइल में होगा कि सोर्स प्रोग्राम भी होगा, एड्रेसेस भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी होंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें इधर होगी. फिर ये प्रोग्राम जब रन होगा, जब हम इसको रन करेंगे, तो रन में जब जो भी फंक्शन हम इधर कॉल करते हैं, वो फंक्शन इधर लिंक कर क्या करेगा, रन करते वक्त लिंक करेगा मेरे ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक कर, रनिंग के वक्त उसको लिंक करेगा और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा. वो एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आउटपुट, मतलब जो आउटपुट करना हो, जो हमारे आउटपुट हो, वो हमें स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे. जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो लिंकिंग के बाद एक और फाइल बनती है, उस फाइल को मैप फाइल कहते हैं. मैप फाइल में भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए. ठीक है, तो ये 5 फाइल जो बनती है, ये जो सारा प्रोसेस है, इसको असेंबल, लिंक, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं. साइकिल इसलिए कि अगर मैं प्रोग्राम में कोई चेंज करूं, तो मैं फिर से यहां से शुरू करूंगा और ये सारे स्टेप्स मैं रिपीट करूंगा, तो इसलिए इसको असेंबल, लिंक एंड एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं.
सिंपल स्टेप्स है, प्रोग्राम में लिखूंगा उसको सोर्स फाइल कहते हैं, इसको मैं असेंबल करूंगा या असेंबलर को दे दूंगा तो असेंबलर इसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल में और साथ में एक लिस्टिंग फाइल भी क्रिएट करेगा। फिर रन करते वक्त लिंकर उसमें जो लाइब्रेरी या जो फंक्शन हम कॉल करते हैं वो लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करेगा और फिर वो फाइल जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी तो साथ में एक मैप फाइल भी बन जाएगी और फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है और हमें आउटपुट अपने स्क्रीन पे दिखाई दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा बैच फाइल है मैक 32 फाइल जो है, जो इसको बैच फाइल भी कह सकते हैं, ये जो है रन एट टू असेंबल एंड लिंक प्रोग्राम, ये फाइल जो है ये असेंबल होता है और लिंक प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें लिंकर जो है अपनी लाइब्रेरी को लिंक करता है। इसमें कमांड होते हैं दैट एग्जीक्यूट ml.exe द माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर जो है इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर सकता है। इसमें कमांड होते हैं 32 bit, मतलब इसमें जो जो कमांड्स होते हैं दैट एग्जीक्यूट्स वो 32 bits होंगे। कमांड लाइन में हम कैसे इसको रन करेंगे, मैक 32 लिखेंगे और प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, जैसे कि पिछले प्रोग्राम का नाम मैंने एग्जांपल रख दिया था। ठीक है, और ASM की इसकी एक्सटेंशन होगी, ASM एक्सटेंशन का मतलब कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। जो दो फाइल्स बनती है उसमें एक लिस्टिंग फाइल की बात मैंने की, एक मैप फाइल की। लिस्टिंग फाइल जो है यूज इट टू सी हाउ योर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, ये हमें ये बताता है कि आपके प्रोग्राम कंपाइल कैसे हुआ है। हमारे पास इसमें क्या होता है, लिस्टिंग फाइल में सोर्स कोड भी होता है, अपसेट एड्रेसेस भी होती है, ऑब्जेक्ट कोड भी होते हैं जैसे कि मशीन लैंग्वेज जो कोड बनता है, सेगमेंट नेम भी होते हैं, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, और सिंबल वेरिएबल सिंबल्स जैसे कि वेरिएबल प्रोसीजर और कांस्टेंट जो हम लिखते हैं, लेट सपोज मैं वेरिएबल्स यूज करता हूँ या कांस्टेंट, वो भी इसमें कोड में होंगे। ठीक है, मैप फाइल में, लिस्टिंग फाइल में। मैप फाइल जो है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, सॉरी एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक इंफॉर्मेशन है, ये हमें बताता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोग्राम सेगमेंट, कि कौन सा सेगमेंट, लेट सपोज डेटा सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है, उसकी साइज कितनी है और इसकी टाइप कितनी कौन सी है, डेटा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है या स्टैक सेगमेंट है। ठीक है, तो मेमोरी में उसकी अपनी बिगेनिंग एड्रेस होगी, एंडिंग एड्रेस होगी और उसकी पूरी साइज। ठीक है, आगे अच्छा ये डेटा टाइप्स है, जैसा कि हम जब C++ में काम कर रहे होते हैं, दोबारा मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, तो C++ में हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स यूज करते हैं। डेटा टाइप लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करता हूँ, तो मैं लेता हूँ इंटीजर मार्क्स, और लेट सपोज मैं कहता हूँ, या लेट सपोज मैं मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह के मैं वेरिएबल्स लेता हूँ। तो ये जो वेरिएबल है ये इसका वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट 1 और ये इसका डेटा टाइप है, मतलब इसमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर होगा। इस तरह अगर मैं इशारे वाली वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मैं उसमें फ्लोट डेटा टाइप लेता हूँ, लेट सपोज फ्लोट एवरेज और परसेंटेज। ठीक है, तो ये मैं क्या लेता हूँ, डेटा टाइप। अब लेट सपोज मैं करेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ तो उधर डेटा टाइप मैं ले रहा हूँ करेक्टर ग्रेड। ठीक है, या मैं लेता हूँ लेट सपोज मैं स्ट्रिंग में कुछ लेता हूँ तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप भी यूज कर सकता हूँ C++ में। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में भी हम प्रोग्राम करते वक्त कुछ डेटा टाइप्स यूज करते हैं, लेकिन अच्छा इधर जो बात है ये हमने कहा था कि ये 2 bytes है, ये 4 bytes है, ये 1 byte है, ये जो डिपेंड करता है कि इसमें कितने मतलब करेक्टर्स है। ठीक है, इसी तरह हम असेंबली लैंग्वेज में भी क्या करते हैं, डेटा टाइप्स यूज करते हैं, लेकिन ये डेटा टाइप जो है ये मेमोरी के रिलेवेंट्स है, मेमोरी से ज्यादा रिलेटेड है। जैसा कि हमारे पास एक डेटा टाइप है बाइट जो कि 8 bits है, अनसाइंड, इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक है हमारे पास एस बाइट, एस बाइट का मतलब है साइंड बाइट, ये भी 8 bits है लेकिन इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव -128 से लेके +127 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास वर्ड और डबल वर्ड है, वर्ड और डबल वर्ड जो है ये
वर्ड जो है 16 बिट है, लेकिन इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल साइन वर्ड जो है इसमें हम मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। 16 बिट ये भी है। डबल वर्ड जो है ये 32 बिट है, लेकिन डबल वर्ड में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेके अप टू इट्स लिमिट। और साइन डबल वर्ड में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों 32 बिट तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब क्वाड वर्ड जो है, क्वाड वर्ड में साइन नहीं है, इसमें सिर्फ हम 64 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। और फिर टी बाइट है, टी बाइट मतलब 10 बाइट्स, इसमें 80 बिट्स होते हैं। और मतलब इतना बड़ा नंबर है, इसमें हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इशारे वाले जो वैल्यूज है इसके लिए हम यूज करते हैं रियल 4, ये 4 बाइट है, और रियल 8 ये 8 बाइट्स है। बिट्स नहीं, बाइट, इधर बाइट की बात हो रही है। ठीक है, रियल 4 में 4 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, रियल 8 में 8 बाइट स्टोर कर सकते हैं, और रियल 10 में फिर हम 10 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप यूज कैसे होंगे, हमने कहा था कि सी प्लस में कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर बाद में इनको यूज करते हैं। तो इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में भी हम पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, फिर यूज करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए इधर हम पहले सी प्लस में हम पहले डेटा टाइप लिखते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में पहले हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल। फिर ये डायरेक्टिव इनिशियलाइजर है, डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव का मतलब है कि मतलब ये बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, रियल 4 है, रियल 8 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो डेटा टाइप हम बताते हैं। फिर उसके बाद इनिशियलाइजर लेते हैं, इनिशियलाइजर एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। अगर इसमें सिर्फ हम एक वैल्यू स्टोर करें तो फिर ये सिंपल वेरिएबल बन जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करें तो फिर ये एक एरे बन जाता है। ठीक है, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ बाइट का। लेट सपोज वेरिएबल का नाम है वेरिएबल 1, इसका साइज जो है वो बाइट है, और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 10। ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल, इसका नाम वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप जो है वो बाइट है। अब इसमें सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 1 बाइट तक, 8 बिट्स तक, और इसमें मैंने बेसिकली जो वैल्यू मैंने स्टोर की इसमें 10। अब इसमें मैंने स्टोर कर दी, वेरिएबल 1 में स्टोर है इक्वल टू 10, इसमें 10 मैंने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में स्टोर करने का तरीका ये है। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी की, उसकी उसका डेटा टाइप जो है वो बाइट है, और उसमें 10 मैंने स्टोर की। इस तरह अगर मैं इसमें ए साइन बाइट लेता हूँ, साइन बाइट, तो साइन बाइट का मतलब ये है कि इसमें अब मैं -10 भी स्टोर कर सकता हूँ, इसमें अब मैं +10 भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इधर साइन बाइट है। इसके अलावा अगर ये वेरिएबल मैं लेता हूँ वर्ड, तो अब मैं इसमें अच्छा अगर मैं इसको बाइट लेता हूं तो बाइट में ये है कि इधर मैं सिर्फ 127 तक, सॉरी 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस 255 से बड़ा वैल्यू स्टोर करना है तो इसको मैं लूंगा वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है अब 16 बिट बिट है, इसमें आप 22255 ये भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वर्ड जो है इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर इसको मैंने लेना है नेगेटिव भी, तो अब मैं साइन वर्ड में इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी सिंटैक्स है। तो ये जो है डिफाइनिंग बाइट एंड एस बाइट, बाइट और एस बाइट को हम इस तरह लेते हैं। ये वैल्यू 1 इसका वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है, इसमें वैल्यू स्टोर है एक करेक्टर। ये मेरे पास वेरिएबल वैल्यू 2 है, ये एक बाइट है, और इसमें 0 स्टोर है। ये वैल्यू 3 एक वेरिएबल है, इसका टाइप बाइट है, इसमें 255 स्टोर है। अब ये जो है ये तीनों बाइट है, ये दोनों क्या है, साइंड बाइट। ये वैल्यू 4 एक वेरिएबल है, ये साइंड बाइट है, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो बाइट में जो हम स्टोर कर सकते हैं वो -128 है, और साइंड बाइट में हम सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 127 स्टोर कर सकते हैं। बाइट में हम 255 तक जा सकते हैं, लेकिन साइंड बाइट में हम +127 तक जा सकते हैं।
और ये वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप बाइट है, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसमें अभी तक कुछ भी स्टोर नहीं है, अनइनिशियलाइज्ड है। डिफाइनिंग बाइट्स, इसमें एक से ज्यादा मतलब वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज ये लिस्ट वन है, इसका टाइप बाइट है, इसमें मैंने चार वैल्यू स्टोर की, चार वैल्यू जब मैं स्टोर करता हूं तो अब ये एक एरे बन जाता है। लिस्ट वन क्या है, अब एक एरे है, ठीक है। अब इस तरह इस इनसे ज्यादा वैल्यू अगर मैं दो तीन लाइन में स्टोर करना चाहता हूँ तो उसका तरीका ये है कि हर हर लाइन के बिगेनिंग में मैं डेटा टाइप लिखूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो अनइनिशियलाइज्ड है, दूसरी वैल्यू जो है वो 32 है, तीसरी वैल्यू जो है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और चौथी वैल्यू जो है वो एक बाइनरी नंबर है। और इधर क्या है, लिस्ट फोर में पहली वैल्यू एक हेक्साडेसिमल है, दूसरी वैल्यू हेक्साडेसिमल है, तीसरी वैल्यू ए बी ए एक करेक्टर है, और चौथी वैल्यू जो है वो एक हेक्साडेसिमल है, ठीक। अच्छा, डिफाइनिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रिंग जो है एक एरे ऑफ करेक्टर है, मतलब एक से ज्यादा करेक्टर को मिला के स्ट्रिंग बनाता है। तो उसी तरह जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, इस तरह हम स्ट्रिंग भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको हम डबल कोटेशन में बंद करेंगे। स्ट्रिंग को हमेशा के लिए हम डबल कोट में बंद करते हैं, ठीक है। और यूजुअली हैज अ नल बाइट एट द एंड, जो एंड में इसका एक नल बाइट भी होता है। लेट सपोज मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग उसका टाइप मैं बाइट लेता हूँ, और इसमें स्टोर करता हूँ इंटर यूअर नेम। अब ये स्ट्रिंग है, हर करेक्टर जो है स्पेस भी, और हर करेक्टर एक एक बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं इधर वर्ड करूँ इसी जगह, तो अब हर करेक्टर मेरा एक वर्ड को ऑक्यूपाई करेगा। तो अच्छा प्रैक्टिस ये होगा कि हम इधर स्ट्रिंग में और करेक्टर में बाइट ले लें, क्योंकि बाइट 8 बिट्स मेमोरी रिजर्व करेगा। अगर मैं इधर वर्ड लिखूं तो भी ठीक है तरीका, लेकिन मेरा मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई होगा। अब ये क्या है, ये एक 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 कैरेक्टर इसमें स्टोर हुआ है, इसमें मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर जो है मेमोरी में ये और ये दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, मेमोरी में ये दोनों एक जैसे होंगे, ठीक। अच्छा, ये जो दो दो है, ODH और OH, जैसा कि हमारे पास C++ में एस्केप सीक्वेंसेस है, एक एस्केप सीक्वेंस जो है वो है /n, /n इज फॉर न्यू लाइन, तो उसको लाइन फीड भी कहते हैं, वो कंट्रोल को न्यू लाइन में ले जाता है। तो जब हम असेंबली लैंग्वेज में न्यू लाइन में कंट्रोल ले जाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे OAH 0AH। अगर हम फाइल की बिगेनिंग में कर्सर को ले जाना चाहते हैं, तो इसको कैरेज रिटर्न कहते हैं। फाइल की बिगेनिंग में कर्सर को ले जाता है वो है 0DH, ठीक है, और 0 जो है ये एंड को जाहिर करता है। अब आउटपुट पे क्या होगा, ये जो लाइन, ये एक लाइन पे आउट डिस्प्ले होगा, ये दूसरी लाइन पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, दूसरी लाइन पे नहीं मतलब पहले लाइन पे, क्योंकि ये जो 0DH है ये कर्सर को ले जाएगा फाइल की बिगेनिंग में, स्क्रीन की बिगेनिंग इस कोने पे। फिर OH क्या करेगा, ये एक एंटर करेगा तो दूसरी लाइन पे आ जाएगा, तो मेरा बाइट जो है वो एंड में होगा, एंटर योर नेम जो है ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। DUP ऑपरेटर है, DUP ऑपरेटर क्या है, DUP ऑपरेटर जो है ये मेमोरी रिजर्व करता है। अगर मुझे ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो ज्यादा मेमोरी, लेट सपोज मैं कुछ मेमोरी रिजर्व करना चाहता हूँ, तो ज्यादा मेमोरी के लिए हम DUP ऑपरेटर यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। लेट सपोज काउंटर मस्ट बी कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इधर हम कांस्टेंट लेंगे। लेट सपोज मैं 20 बिट्स रिजर्व करना चाहता हूँ वेरिएबल के लिए, वेरिएबल वन टाइप बाइट है, और इसके लिए मैं 20 बिट्स रिजर्व करना चाहता हूँ, तो ये मैं 20 इधर लिखूंगा, और इस हर लोकेशन पे मैं 0 स्टोर करना चाहता हूँ, DUP पे मैं 0 स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए 20 बिट्स को क्या करेगा, रिजर्व करेगा, और हर बिट पे 0 स्टोर होगा, 20 बाइट्स, ठीक है। अब वेरिएबल टू के लिए मैं 20 बाइट्स रिजर्व कर रहा हूँ, लेकिन हर लोकेशन पे मैं क्या एक क्वेश्चन मार्क से स्टोर कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहता। अब वेरिएबल थ्री जो है इसमें मैं 4 4 मतलब 20 इधर भी रिजर्व होगा, क्योंकि ये जो है हर स्टैक के लिए
मतलब स्टैक है, स्टैक में 5 कैरेक्टर है और ये कहता है कि 4 दफा मेरी इस स्टैक के लिए मेमोरी रिजर्व करो। तो मतलब इस स्टैक में 5 बाइट्स हैं और 5 4 20, 20 बाइट्स ये भी रिजर्व करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक 2 डायमेंशनल एरे को रिजर्व करेगा जिसमें 10 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड को और डबल वर्ल्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वही तरीका है जो पहले था, लेकिन डिफाइन स्टोरेज फॉर 16 बिट इंटीजर और डबल वर्ल्ड कैरेक्टर सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। तो डबल वर्ल्ड जो है 16 बिट है और साइन वर्ल्ड जो है वो भी 16 बिट है, लेकिन इसमें हम नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह ये जो है ये कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेगा, ये जो है ये एक एरे बनेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये जो डीयूपी इधर है, ये डीयूपी 5 वर्ड्स को रिजर्व करेगा। 5 वर्ड्स मतलब एक वर्ड में 62 बाइट्स है, 5 2 नहीं 10, 10 बाइट्स को रिजर्व करेगा और हर बाइट पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क स्टोर होगा। डिफाइनिंग डबल वर्ड और साइन डबल वर्ड, डबल वर्ड और वही तरीका है, लेकिन डबल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ा हो। ये देखो ये बहुत बड़ा मतलब बड़ा नंबर है, तो इस बड़े नंबर के लिए हम डबल वर्ड यूज करेंगे, और साइन डबल वर्ड अगर निगेटिव बड़ा नंबर हो। और इधर डबल वर्ड मैंने बताया था कि डबल वर्ड कितना है, 32 बिट्स है या 8 सॉरी 4 बाइट्स है। तो 20 DUP, 20 DUP मुझे कितना मेमोरी रिजर्व करेगा, 20 डबल वर्ड्स मतलब 20 4 80, 80 बाइट्स रिजर्व करेगा और हर बाइट पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। इधर साइन डबल वर्ड जो है, मैं एक एरे बनाता हूँ जिसमें -3 -2 -1 0 1 स्टोर होगा, ठीक है, और उसका डेटा टाइप जो है वो साइन डबल वर्ड है। इस तरह क्वाड वर्ड और 10 बाइट भी हम इस तरह रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम 10 बाइट हम तब लेंगे, ये क्वाड वर्ड हम तब लेंगे हमारे पास इतना बड़ा नंबर हो, और 10 बाइट हम तब लेंगे अगर इतना बड़ा वर्ड हो, ठीक है, नंबर। रियल फोर में हम इशारे वाले लेते हैं, तो मतलब ये वेरिएबल नेम हो गया, ये रियल फोर इसका डाटा टाइप, और इसमें हमने स्टोर की -2.1। इधर हमने -2.1 की ताकत एक्सपोनेंट, ये ई क्या है, एक्सपोनेंट है की ताकत -260, ठीक है। रियल 10 में 4.6 की ताकत +4096, और डीयूपी क्या कर रहा है, ये रियल फोर के मतलब रियल फोर 4 बाइट्स लेता है, तो ये 20 4 80, 80 बाइट्स को रिजर्व करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी है, और इसके आगे जो मतलब 10 स्लाइड्स रहते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।